आंदोलन के मामले में कनाडा की ओर से आए बयान पर आपत्ति जताते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां के उच्चायुक्त को समन भेजा है। साथ ही वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा किसान के जारी आंदोलन पर दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई है। कनाडा को फटकार लगाते हुए मंत्रालय ने कहा, हमारी आंतरिक मामले में दखलअंदाजी स्वीकार नहीं। यदि आगे भी इस तरह की गतिविधियां होती रही तो दोनों देशों के बीच संबंध को क्षति होगा। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि इस तरह के बयानों से चरमपंथी समूह को प्रोत्साहन मिला है और वे कनाडा स्थित हमारे उच्चायुक्त व कंसुलेट तक पहुंच सकते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती है। बता दें कि जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के आंदोलन को लेकर चिंता जाहिर की तो उस वक्त भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उन्हें कड़ी नसीहत दी थी और कहा था कि वे भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश नहीं करें। दरअसल ट्रूडो ने गुरु नानक देव के 591 प्रकाश वर्ष पे ऑनलाइन इवेंट के दौरान कहा कि वे हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के पक्ष में रहे हैं। भारत में किसानों के आंदोलन से हालत चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा, भारत से किसान के आंदोलन के बारे में खबर आ रही है, स्थिति चिंताजनक है और सच्चाई ये है कि आप भी अपने दोस्त और परिवार को लेकर फिक्रमंद हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कनाडा ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन किया है। ट्रूडो के इस बयान पर शिवसेना समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने सवाल उठाया था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के बयान को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम कनाडाई पीएम का बयान खारिज करते हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।